नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि BHU UG मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले जो लिस्ट है वो हमें पता चल जाए, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सके कि भाई ये फॉर्म हम भरना है कि नहीं भरना है, फाइनली इस प्रोसीजर में हमें घुसना है कि नहीं घुसना है। तो अब आपके पास वो ऑफिशियल लिस्ट अवेलेबल है जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। वैसे तो इस लिस्ट को रिलीज करने का जो डेट था वो 3 तारीख के था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज 4 हो चुका है, तो मतलब थोड़ा सा लेट हुआ, कोई बात नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ऑफ एडिटिंग ऑफ प्रिफरेंसेस बाय द कैंडिडेट, ठीक है, जिसकी डेट है 4 तारीख, यानी आज ही और 6 तक रहेगा। ओके, मैं ये डेट आपका एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। उसके बाद है सीट एलोकेशन डिक्लेरेशन, फर्स्ट राउंड का 7 तारीख को आएगा। मैं मान के चलता हूँ जब लिस्ट लेट आई है तो रिजल्ट भी लेट हो सकता है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जो अभी भी इनकी ऑफिशियल लिस्टिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई इनके पास कितनी सीटें हैं टोटल BHU में, ये लोग कितनी सीटें लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। अच्छी बात यह है कि सीटें ठीक ठाक नजर आ रही है। थोड़ी सी घबराने वाली बात यह है जो परेशान कर सकती है कि मे भी आपके चॉइसेस आप सब्जेक्ट्स ना हो, और यहीं पे जरूरत पड़ती है आपको एक अच्छे मेंटर्स की काउंसलिंग प्रोसीजर को में घुसने से पहले आपको अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है, जो कि ये नंबर जो आपको दिख रहा है इस नंबर पे काउंसलिंग वाला का नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करोगे तो कॉल बैक जाएगा, ध्यान रखना डायरेक्ट कॉल करोगे रिसीव नहीं होगा, लेकिन इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको कॉल बैक जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसपे आप बकायदा डिस्कस कर सकते हो कि सर हमारा एम है आगे चल के UPSC, और हमें मिल रहा है बंगाली, हमें मिल रहा है उर्दू, हमें मिल रहा है फ्रेंच, तो क्या हमें आगे पढ़ाई करना चाहिए इसमें। तो ये तमाम चीजें आप डिस्कस करने के बाद ही इस काउंसलिंग प्रोसीजर में आगे बढ़े, ठीक है। हमारे यहाँ 2025 के लिए कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है, 2025 के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, आपको कॉल में चला जाएगा कोर्स ज्वाइनिंग के लिए। अब ये लिस्ट है आर महिला पीजी कॉलेज के लिए, देखो यहाँ दिखा रहा है आर्ट्स बंगाली इंग्लिश हिंदी होम साइंस म्यूजिक वोकल फिलोसफी संस्कृत, ठीक है, और उसी तरीके से सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी। हुआ क्या है, इस बार 2024 के UG बच्चों के साथ, खासकर जिन्होंने BA का फॉर्म डाला था, उनके साथ स्कैम हुआ है, ये उन्हें पता नहीं है, और BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं उनके साथ उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ी लापरवाही की है। और वो किसको किसको सामने खड़ा करके, NEP को सामने खड़ा करके। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इनका पूरा पोल पढ़ना जरूर खोल दूंगा कि एक्चुअली इन्होंने किस तरीके से इस स्कैम को एग्जीक्यूट किया है। लिटरली मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी इन्होंने, बहुत बड़ा वाला जो होता है ना बच्चों को साथ खिलवाड़, उन्होंने किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है इसमें। लोगों को पता नहीं है, जो एक्स स्टूडेंट है या जो करंट स्टूडेंट है BHU को, उन्हें पता नहीं है कि इतना बड़ा चीज हो गया। तो आप कहोगे तो मैं बता दूंगा किसी दिन की, एक्चुअली इन्होंने 2024 के UG एडमिशन में किस तरीके से स्कैम हुआ। तो ये लिस्टिंग है, ठीक है, हम लोग फिलहाल लिस्टिंग देखते हैं। ये लिस्ट में डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसमें डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर देख सकते हो, ठीक है। सीट यहाँ पे है जनरल OBC SC ST EWS कैटेगरी वाइज निकला हुआ है। ध्यान देना कि जनरल में हर कोई आ सकता है, यानी ये 4 सीट है, तो ये OBC वाला भी इसको यूज कर सकता है, यानी OBC का 3 सीट और 4 ये सीट, मतलब OBC के 7 सीट हो गए टोटल, ठीक है। SC के पास 10 है तो जनरल का भी 4 यूज कर सकता है। तो इस तरीके से जनरल की सीटें हर कोई यूज कर सकता है, बाकी अपना सीट तो यूज करेगा, तो इस तरीके से आप काउंट कर लो, ठीक है। और फॉर्म भरना है, एग्जीक्यूट प्रेफरेंस भरना है नहीं भरना है, तमाम चीजें जो है वो हम लोग काउंसलिंग वाला इसके नंबर पे व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पास अगर इंक्वायरी है तो आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखना, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस लिस्ट को डाउनलोड करके प्रॉपर वे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। हर हर मिलते हैं। हेलो,